इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है और कहा है कि यहाँ क्यों आए हो, इसके लिए तुम्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी मयंक के पास। मयंक, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी दीपिका, ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है ये कहते हुए कि इस मामले में सबसे पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। हेमंत सोरेन ने इसका क्या सफाई दी इस पर? जी हाँ, इसमें हेमंत सोरेन तो नहीं लेकिन उनके वकील ने सफाई दी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, तो हेमंत सोरेन के जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा था कि मैं पहले इसमें हाईकोर्ट जाना चाहता था लेकिन इस तरह के कई सवाल जो है वो हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए और हम आपको ये याचिका वापस लेने की अनुमति देते हैं। अब क्या लगता है मयंक कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से सुनने के बाद चुनौती देने के लिए? जी जाहिर तौर पर अब पहले सुप्रीम कोर्ट से जब वापस हाईकोर्ट जाने की जो अनुमति मिली हुई है उनको, तो जाहिर है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और बहुत निश्चित तौर पर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ जो है याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने इसमें ये कहा था कि ईडी जबरदस्ती बार बार समन भेज रही है। एक तरीके से जो जबरन पीछे पड़ जाने वाला जो मामला है यहाँ पर हेमंत सोरेन ने बताया है। इसके अलावा दीपिका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने 4 बार समन भेजा था, 4 बार उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया था। झारखंड वाला जो ईडी का जो दफ्तर है वहां ईडी ने उन्हें रिपोर्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन इस मामले में हेमंत सोरेन पहले भी ईडी को कह चुके थे कि अगर इस मामले में दोबारा समन आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अंततः वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक मासा जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। अब बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस ईडी समन मामले को, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो ईडी ने समन भेजा था, उस मामले में हेमंत सोरेन अब हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।